नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सिसई थाना क्षेत्र के नागफेनी जिंदा चट्टी टोली पोखरा टोली में अवैध बालू के भंडारण को अनुमंडल पदाधिकारी जिला खनन पदाधिकारी गुमला अंचलाधिकारी सिसई ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन करते हुए छापेमारी की। सिसई अंचलाधिकारी अरोड़ीमा ने कहा कि नागफेनी से 18,250 सीएफटी, जिंदा चट्टी टोली से 90,825 सीएफटी और जिंदा पोखरा टोली से 41,600 सीएफटी अवैध भंडारित बालू को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की जा रही है।